आपका स्वागत है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्ट्स में। ये रेलवे लाइन 498 किलोमीटर लंबी होने वाली है। ये लेह को ऑल ईयर कनेक्टिविटी देने वाली है और साथ में ये हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए, जो कि लद्दाख तिब्बत बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं, काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। अभी 4 दिन लगते हैं दिल्ली से लेह पहुँचने के लिए मनाली वाले रूट से, और ये रेलवे लाइन बनने के बाद 2 दिन से भी कम टाइम लगेगा। साथ में हिमाचल और लेह के टूरिज्म सेक्टर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी ये रेलवे लाइन। ये जो आप सर्वे देख रहे हैं, ये इनिशियल सर्वे है जो कि पूरा हो चुका है, और अभी फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है जो कि इस साल ख़त्म हो जाएगा। इस फाइनल लोकेशन सर्वे में 345 करोड़ का खर्चा आ रहा है। लैंड एक्विजिशन का काम भी यहां तक की शुरू हो चुका है, और इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 83,000 करोड़ के आसपास आने वाली है। ये रेलवे लाइन दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन होगी जब ये बनकर तैयार हो जाएगी। अभी खिनघाई तिब्बत रेलवे लाइन दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। जम्मू बारामूला रेलवे लाइन 356 किलोमीटर लंबी है, और इसको 2002 में नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया था, और उसके बाद इसके काम में रफ्तार आई, और ये पूरा स्ट्रेच 2022 में कंप्लीट होने की उम्मीद है। इसमें कटरा भनियाल का 111 किलोमीटर का स्ट्रेच सबसे मुश्किल है, और वही ही बचा है, बाकी सब कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे रेलवे लाइन की कॉस्ट 28,000 करोड़ के आसपास है। जम्मू बारामूला रेलवे लाइन दुनिया की सबसे मुश्किल रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन में आती है, और अगर हम कंपेयर करें तो इससे मुश्किल रेलवे लाइन खिनघाई तिब्बत रेलवे लाइन है, जिसमें कि रेलवे लाइन 5072 मीटर्स तक जाती है, जो कि सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है किसी भी रेलवे लाइन के लिए। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लेह बिलासपुर रेलवे लाइन इस रेलवे लाइन से भी मुश्किल होने वाली है, और ये रेलवे लाइन बनने के बाद इंडिया के पास दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन होगी, जो कि 5359 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी। और तिब्बत रेलवे लाइन में सबसे लंबी सुरंग 4 किलोमीटर के आसपास है, और इसमें सबसे लंबी सुरंग 27 किलोमीटर लंबी होगी, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना मुश्किल होने वाला है। मनाली से इसकी कंस्ट्रक्शन और मुश्किल हो जाएगी। यहीं पे इस प्रोजेक्ट का सबसे लंबा ब्रिज आएगा, जो कि 2.9 किलोमीटर लंबा होगा। ये इस प्रोजेक्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा, जो कि 81 मीटर्स तक ऊंचा होगा। ब्रिज से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट में टनल्स बहुत होने वाली हैं। ये 24 किलोमीटर की टनल इस प्रोजेक्ट की दूसरी सबसे लंबी टनल होगी। और दुनिया की सबसे लंबी रेल टनल 4000 मीटर की ऊंचाई पर इसी प्रोजेक्ट में होगी, और ये इस प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल हिस्सा भी होगा। ये टनल है सबसे लंबी इस प्रोजेक्ट की। इसके स्टार्टिंग पॉइंट की हाइट 4000 मीटर के आसपास है, और जब ये टनल ख़त्म होगी तो ये 4500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुकी होगी।